बीजेपी सरकारी खजाने का चूना लगाना बंद करो बंद करो बंद करो। जम्मू कश्मीर में दो कानून नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। बीजेपी तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी तुम्हारा हिटलर राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बीजेपी तुम्हारी दमनकारी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी केंद्र सरकार बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी के पूर्व विधायक मंत्री सरकारी बंगले खाली करो खाली करो खाली करो। बीजेपी के पूर्व विधायक मंत्री सरकारी बंगले खाली करो खाली करो खाली। कानून नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। भाजपा तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाजपा तुम्हारा हिटलर राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भाजपा तुम्हारी दमनकारी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दमनकारी नीति नहीं चलेगी। यूनियन टेरिटरी के प्रबंधन ने अपोजिशन के तमाम लीडरान से सरकारी क्वार्टर्स खाली करवा दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक्स मिनिस्टर्स एक्स एमएलएस जो हैं उनको अभी भी गवर्नमेंट बंगलोज में रखा गया है। जो बीजेपी के लीडर आज की तारीख में किसी भी पद पे नहीं है और एक आम नागरिक की तरह है, उनको भी मंत्रियों के बंगलों में रखा गया है और कोई भी किराया उनसे वसूला नहीं जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस यूनियन टेरिटरी को बनाने के साथ साथ आपने पार्टी बेसिस के ऊपर कानून बनाए हैं? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग अलग कानून है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कानून और विरोधियों के लिए दूसरा कानून है। हमने इस तरीके का जो हाई हैंडेडनेस है किसी भी सरकार में नहीं देखी। एनसी और पीडीपी की हुकूमत में ये होता था कि एक्स जो लेजिस्लेटर्स होते थे उनको क्वार्टर्स में रखा जाता था, लेकिन कभी भी किसी भी हुकूमत ने एक अपने वर्कर को मंत्रियों के बंगले में नहीं रखा और उनको खुली छूट दी रखी है। ना उनसे बिजली का किराया लिया जाता है, ना बंगलों का किराया लिया जाता है, ना पानी का किराया लिया जाता है, और सरकारी खजाने को जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है ये एक आई ओपनर है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से ये कहना चाहते हैं कि एक रियासत में या एक यूनियन टेरिटरी में दो कानून नहीं चल सकते। इनको जल्द से जल्द उन ऑफिशियल बंगलों से इविक्ट कीजिए, वरना अथॉरिटीज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करेंगे। और पैंथर्स पार्टी ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप इस तरीके से कायदा और कानून का उल्लंघन करते हुए टैक्स पेयर्स मनी को इस तरीके से खिलवाड़ करें, उसको लूटें। पैंथर्स पार्टी अपील करना चाहती है राष्ट्रपति महोदय से भी कि इसका संज्ञान लीजिए, और जिस तरीके से एक गुंडागर्दी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करके रखा है, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है।